अक्षय कुमार के लिए ये साल वाकई में काफी लकी साबित हुआ है। इस साल उनकी फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा 15 अगस्त के मौके पर रिलीज हुई थी। फिल्म में शौच की समस्या के मुद्दे को लेकर देश भर में मुहिम छिड़ी थी। फिल्म ने ना तो सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद से ज्यादा का कारोबार किया, वहीं अब इस फिल्म को देश के सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स ने भी सराहा है। सामाजिक मुद्दे पर बनी इस फिल्म का टॉपिक उन्हें काफी पसंद आया है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस फिल्म की सराहना की है। उन्होंने लिखा कि टॉयलेट अ लव स्टोरी, अ बॉलीवुड रोमांस अबाउट अ न्यूली वेड कपल, एजुकेटेड ऑडियंसेस अबाउट इंडियाज सैनिटाइजेशन चैलेंज। वहीं उन्होंने द एक्सप्रेस ट्रिब्यूनल के एक आर्टिकल को शेयर करते हुए इस फिल्म की काफी तारीफ की है। इस आर्टिकल में अक्षय की फिल्म के टॉपिक ने नया ऐसा कमाल कर दिखाया है कि अब खुद बिल गेट्स को ही इस फिल्म की तारीफ करनी पड़ी है। अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की इस फिल्म ने क्रिटिक्स के साथ दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है। जब इस फिल्म की नींव रखी गई थी, तब से ये कहा जा रहा था कि अक्षय की टॉयलेट एक प्रेम कथा पीएम मोदी के स्वच्छ भारत अभियान से प्रेरित है। इस फिल्म की तारीफ खुद नरेंद्र मोदी ने भी की थी। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और बॉलीवुड से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।